अभी जो है हम लोग जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन करेंगे। क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन कंपाउंड। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड, बट ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक, है ना? ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जितना भी है वो सब कार्बन कंपाउंड है, लेकिन सारे कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। ये पहला बात ये याद रखना है, ठीक है? ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कार्बन कंपाउंड, है ना? ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कार्बन कंपाउंड। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कार्बन कंपाउंड। जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो कार्बन कंपाउंड है, यानी उसमें कार्बन है, यानी बिना कार्बन के कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होगा। ऑल कार्बन कंपाउंड्स, ऑल कार्बन कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है? यानी सारा कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, यानी कार्बन कंपाउंड दो तरह का होता है, ठीक है? तो कार्बन कंपाउंड कितने तरह का होगा? कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स कितने तरह का होगा? दो तरह का होगा। एक होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरा होगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स कितने तरह का होता है? दो तरह का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है? इस चैप्टर में हमको पढ़ना है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं पढ़ना, लेकिन जानना है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में एग्जांपल क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे हो गया सोडियम कार्बोनेट, है ना, पोटेशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इस तरह का जितना भी कार्बोनेट, ये सब हुआ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना? और कार्बन कंपाउंड में क्या हो गया? CH4, C2H6, इस तरह का बहुत सारा आएगा, जितना एल्कोहल और भी है। तो कैसे होगा? ये हुआ मीथेन, ये हुआ इथेन, CH4 हुआ मीथेन और C2H6 हो गया इथेन, जितना एल्कोहल है, जितना एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, ठीक है, ईस्टर हो गया, है ना, और भी बहुत सारा नाम गिनते जाएंगे खत्म होना मुश्किल, ठीक है? तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ और इधर इनऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। तो आखिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्या अंतर है? दोनों तो कार्बन कंपाउंड ही है, तो अंतर क्या है? कार्बन कंपाउंड वही कार्बन कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कम से कम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन है जिसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ है, है ना? ओनली दोज कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड इज देयर, देन ओनली इट इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, अदरवाइज इट विल बी इनऑर्गेनिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है।
इसमें CO3 यहाँ भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन, किसी में भी कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है। अच्छा ये सब तो एग्जांपल दिए जिसमें एक ही कार्बन नजर आया, क्या बॉन्ड होगा? नहीं होगा। सिंपल देख के ही पता चल गया कि एक ही कार्बन है तो बॉन्ड कैसे कार्बन कार्बन के बीच में मिलेगा। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन होगा लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं Al2CO3 एल्यूमिनियम कार्बन है, Al2CO3 ये हुआ एल्यूमिनियम कार्बोनेट। अब इसमें देखो कि तीन कार्बन है, Al2CO3 पर तीन है, तो इसमें तीन कार्बन है लेकिन ये तीनों कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, ये तीनों कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तीनों कार्बन अलग अलग है। डायरेक्टली कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये इनऑर्गेनिक है। यानी कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तभी होगा जब उसमें कार्बन और कार्बन आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। अगर कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड एक भी नहीं है, कम से कम एक भी दो कार्बन आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए, कम से कम मतलब एक कार्बन कार्बन बॉन्ड चाहिए। जब तक एक कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होगा तब तक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, तो इधर देखते हैं, जैसे ये C2H6 है तो C2H6 का देखो स्ट्रक्चर ये होता है, ये हुआ C2H6, एक दो कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः, ये हुआ C2H6, ये क्या है इथेन है। इसमें देखो एक कार्बन कार्बन बॉन्ड है इसलिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और भी ले सकते हैं, ये हुआ C2H6, अब हम लोग लेते हैं एक दो तीन, ये हो गया हमारा C3H8, ये क्या हो गया C3H8, इसको हम लोग प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा इथेन है और ये हमारा मीथेन है। ठीक है, अब देखो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, इसमें दो दो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड यहां जुड़ा हुआ, फिर ये कार्बन यहां जुड़ा हुआ, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब तक कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा तब तक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं हो सकता है, तब तक वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा। ठीक है ना, तब तक वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएगा, क्योंकि ये सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो कम से कम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होना चाहिए तभी जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं है तो वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, जैसे कि इधर है, ये सब में किसी में कार्बन कार्बन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है इसलिए ये सब इनऑर्गेनिक हुआ, जबकि इधर कार्बन कार्बन बॉन्ड में बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है इसलिए ये सब ऑर्गेनिक हुआ। अब एक क्वेश्चन आता है, AC4 इसमें तो एक ही कार्बन है, ये जो हम CH4 लिखे, ये जो मीथेन है इसमें तो एक ही कार्बन है, तो इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, फिर भी हम इसको ऑर्गेनिक मानते हैं क्योंकि इसका सारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा है। यही एकमात्र एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन का, मीथेन, जिसमें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है, जिसमें कि कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि इसका सारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा है, एकमात्र ये एक्सेप्शन है इस डेफिनेशन का। बाकी दुनिया में कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड जरूर है, सिर्फ एकमात्र ये मीथेन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है फिर भी ये ऑर्गेनिक है क्योंकि इसका सारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा ही है। और सबसे बड़ी बात है कि यही सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन जो है सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड एवर अवेलेबल है ना, आज तक का सबसे सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यही मीथेन ही है।
तो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल इन दिस यूनिवर्स व्हिच इज मीथेन, लेकिन वो डेफिनेशन के हिसाब से नहीं दिखता है, लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जैसा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सारा प्रॉपर्टीज है इसमें, इसीलिए इसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड मानते हैं। इसके अलावा हम इसको दूसरे तरीके से जब हम डिफाइन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तब हम ये आ जाता है, तब ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के डेफिनेशन में आ जाता है। ये जो अभी डेफिनेशन बताए, जिसमें ये बताए कम से कम एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा तभी ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें तो ये फिट नहीं बैठता है। लेकिन एक दूसरा डेफिनेशन है, वो कहता है कि दुनिया में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो तो हाइड्रोकार्बन है। दूसरा डेफिनेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि ऑल हाइड्रोकार्बन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नथिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नथिंग बट इट इज अ हाइड्रोकार्बन और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मतलब जो हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, यानी जितना भी कंपाउंड है इस दुनिया में अगर वो हाइड्रोजन और कार्बन से सिर्फ बना हुआ है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो ये कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है, इसलिए ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो नए डेफिनेशन के हिसाब से आ गया, ठीक है ना। और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब इस हाइड्रोकार्बन में जितना हाइड्रोजन है उसके बदले किसी और को हम ले आएंगे, हाइड्रोजन के बदले नाइट्रोजन ले आएंगे, ऑक्सीजन ले आएंगे, सल्फर ले आएंगे, नाइट्रोजन ले आएंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। कार्बन को रिप्लेस नहीं करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि जितना भी हाइड्रोकार्बन है उससे हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं। हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो नया जो डेफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नथिंग बट हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल डेफिनेशन, ठीक है। अच्छा, और एक बात हम बताना भूल गए कि पुराने ज़माने में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे डिफाइन करते थे। पुराने ज़माने में ठीक है, डेफिनेशन क्या था ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसमें कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा कंपाउंड है जिसको सिर्फ भगवान ही बनाते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू vital force of theory, अगर हम इसके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिफाइन करें, है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड को शॉर्ट में हम लोग O.C भी लिखते हैं, ना O.C ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, वो O.C ऑर्गेनिक कंपाउंड शॉर्ट में लिख देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो पहला डेफिनेशन था वाइटल फोर्स थ्योरी, तो वाइटल फोर्स थ्योरी कहता है कि क्योंकि पुराने ज़माने में जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आया था उसको कोई ह्यूमन बीइंग लेबोरेटरी में नहीं बनाया था, लेबोरेटरी में कारखाना में नहीं बन पा रहा था, फैक्ट्री में नहीं बना था, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो एनिमल के बॉडी से ड्राइव किया गया था या प्लांट के बॉडी से ड्राइव किया गया था। यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड था पुराने ज़माने में उसमें सब प्लांट से आया था, प्लांट बॉडी से, प्लांट के फ्रूट से, प्लांट के पूरे बॉडी में से कहीं से भी निकल, या एनिमल के बॉडी से निकाला गया था, ठीक है। कोई ना कोई लिविंग थिंग से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, इसीलिए उस ज़माने में कहा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड है जिसको सिर्फ भगवान बनाता है, इनविजिबल फोर्सेस बनाता है, अनसीन फोर्सेस बनाता है, वही है वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी। वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी मतलब ओनली गॉड कैन क्रिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ह्यूमन बीइंग कांट क्रिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डेफिनेशन है पुराने ज़माने का, ठीक है। जब तक कि लेबोरेटरी में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाता था तब ये डेफिनेशन चलता था, ठीक है। लेकिन रिसर्च चलता रहा तो ये हुआ हमारा ओनली अनसीन फोर्सेस कैन डेराइव क्रिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओनली गॉड कैन क्रिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। यही कथन था, यही वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी है। आज के ज़माने में वाइटल फोर्स ऑफ थ्योरी नहीं चलता है क्योंकि आज के ज़माने में ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में भी बन रहा है। लेकिन ये डेफिनेशन कब चेंज हुआ, ये चेंज हुआ था, ठीक है, ये चेंज हुआ जब यूरिया सामने आया।
ये चेंज कब हो गया, जब यूरिया सामने आया, है ना, ईयर 1828। ईयर क्या था? 1828। कौन सा साल में? 1828 में एक साइंटिस्ट आए, एफ ओहलर। एक साइंटिस्ट कौन थे? एफ ओहलर, जो 1828 में वो कुछ रिसर्च कर रहे थे, वो कोई और चीज़ बनाना चाह रहे थे। उसी रिसर्च के दौरान, उसी बनाने के दौरान उनके हाथ से एक्सीडेंटली, है ना, बिना किसी एफर्ट के यूरिया बन गया। कौन बन गया? यूरिया। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला क्या है? CONH2O2। ये यूरिया का फॉर्मूला है, ये बन गया। ये सबसे पहले कौन बनाए थे? एफ ओहलर बनाए थे ईयर 1828 में। 1828 ईस्वी में एफ ओहलर जो थे, फ्रेडरिक ओहलर एक साइंटिस्ट थे, जो यूरिया बनाया। यही सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबोरेटरी में बना। यूरिया हमारे पास था, लेकिन यूरिया क्या था? एक्सट्रैक्ट किया जाता था किससे? यूरिन से, पेशाब से, जानवर के पेशाब से, आदमी के पेशाब से यूरिया को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, है ना। हर आदमी के पेशाब में, यूरिन में यूरिया होता है, तो यूरिया को एक्सट्रैक्ट किया जाता था यूरिन से। तो यहाँ पे गॉड ही नहीं बना, गॉड वही बना बोल रहा था, ऐसा ही होता है। लेकिन एक्सीडेंटली कुछ करने में वो बना रहे थे, बनाने में वो यूरिया बना डाले। जब यूरिया बन गया तब ओहलर को समझ में आ गया, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, क्योंकि यूरिया तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया हमसे। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड एफ ओहलर से बन गया तो सब लोगों को पता चल गया कि एफ ओहलर ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट कर दिया, प्रिपेयर कर दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गॉड ही सिर्फ नहीं बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, आदमी भी बना सकता है। गॉड ही सिर्फ नहीं बनाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, आदमी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकता है। ये चेंज हो गया, जैसे एफ ओहलर ने यूरिया बनाया उसके बाद ये चेंज हो गया कि नहीं, भगवान सिर्फ नहीं बनाएगा, आदमी भी बनाएगा, कोशिश करना चाहिए। तब हुआ कि जब हम आदमी बना सकता है तो वो डेफिनेशन अब कैसे चलेगा कि ओनली गॉड कैन क्रिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो नहीं चलेगा। तो फिर जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अवेलेबल था उस जमाने में, उस पर रिसर्च चला नया डेफिनेशन तैयार करने के लिए, कि अब हम तो नए तरीके से डिफाइन करना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो दो तरीके का डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड का है। एक डेफिनेशन हम पहले बताए कि जित दुनिया में जितना भी कार्बन कंपाउंड है, अगर उसमें कार्बन कार्बन सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा डेफिनेशन आया कि दुनिया में जितना भी हाइड्रोकार्बन है या डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा। तो मॉडर्न डेफिनेशन ये दो हो गया, ठीक है। अब मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड का? यहाँ पर क्या था? ओनली गॉड कैन क्रिएट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? ऑल द कार्बन कंपाउंड व्हिच हैज एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड, व्हिच हैज एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये एक डेफिनेशन हो गया। अभी थोड़ा डेफिनेशन बताया था, है ना, हाइड्रोकार्बन, ये हुआ डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हुआ कि नहीं? ये देखो हाइड्रोकार्बन हुआ, ये हुआ हाइड्रोकार्बन, और ये क्या हो गया? डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, इसमें एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन बॉन्ड है। तो दूसरा डेफिनेशन है ये, हुआ एक डेफिनेशन।
दूसरा भी डेफिनेशन एक आएगा हाइड्रोकार्बन, एंड डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है ना, ये मॉडर्न डेफिनेशन हुआ, ये दो तरीका हुआ डिफाइन करने का, क्लियर। तो हमको ये याद रखना है डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन ओल्ड डेफिनेशन दोनों को याद रखना, फिर मिलेंगे आगे के लेक्चर में। तो फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अब हाइड्रोकार्बन को, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, हाइड्रोकार्बन है, और डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन है। यानी अगर हम हाइड्रोकार्बन को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड अच्छे पढ़ाए, डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो डेरिवेटिव का अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में, ठीक है, ओके। तो हम लोग आगे मिलेंगे और पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बारे में। ओके, हैव अ नाइस डे।